स्वागत है आप सभी का साहित्य मंच में। आज हम सुनने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी सदगति। तो आइए शुरू करते हैं। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ न, ऐसा न हो कहीं चले जाए। दुखी हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर, झुरिया कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है, ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे, आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला खटिया कौन देगा। हमारे उपले सेंठे भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाए, ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेमधर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए, पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है, ला तो डंडा पत्ते तोड़ लूं। झुरिया पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे, बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी विरोध चढ़ाता है, किरोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं, लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुदा तू छूना मत। जूरी गोंड की लड़की को लेकर साह की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नोन हल्दी और पत्तल में एक किनारे चार आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की न मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना, तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला, खाली हाथ बाबाजी की सेवा में कैसे जाता, नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था, उसे खाली देखकर तो बाबा दूर ही से दुत्कारते, पर घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे, नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते, मुंह हाथ धोते 8 बजते तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी, उसके बाद आधा घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते, चंदन की दो रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी, फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते, फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते, 10 बजते-बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते, तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते, ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता, वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी, छोटा सा गोलमटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्मतेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया,
दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज, कुछ साइतस गुण विचारना है। कब मर्जी होगी? घासी आज मुझे छुट्टी नहीं, हां सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जा, सब सामान ठीक कर आया हूं। यह घास कहां रख दूं? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे, तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हां यह लकड़ी भी चीर देना, खलिहान में चार खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसौली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा, द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए, पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहां खाने को क्या धारा था, घर यहां से मील भर था, वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा, लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था, लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था, घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहां कसकसकर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था, कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने में तर था, हाफता था, थककर बैठ जाता था, फिर उठता था, हाथ उठाए न उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती, उसने सोचा, यहां चिलम और तंबाकू कहां मिलेगी, बाह्मनों का पूरा है, बाह्मन लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोड़ भी रहता है, उसके यहां जरूर चिलमतमाखू होगी, तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई, उसने तमाखू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहां न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूं पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा, वहां तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक रचिके आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे, पंडितान ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है दे दो। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्मक्रम किसी बात की सुधी ही नहीं रही, चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए, हिंदू का घर न हुआ कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ीजार से चला जाए, नहीं तो इस लुआठे से मुंह झुलस दूंगी, आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझा कर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती, काम तो हमारा ही कर रहा है, कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम चार आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस बखत तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी,
दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती हैं। पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भरचमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली, तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पड़ाइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी। इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। पांच हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र बाह्मन के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है। और सबके रुपए मारे जाते हैं, बाह्मन के रुपए भला कोई मार तो ले। घर भर का सत्यानाश हो जाए, पाव गलगल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाजें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यावहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, दो चार बच जाएंगी। पंडित, दो चार रोटियों में क्या होगा? चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर दो ठो लिट्टा ठोंक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो जुआर का लिट्टा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वही गोंड आ गया, बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ न फटेगी। नाहक हलाकान होते हो, दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई, गोंड कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो चिखुरी, बाह्मन की रोटी हमको पचेगी, गोंड पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया, जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है, यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कसकस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती, मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कारपरोजन का घर है, एकनेक चीज घटी ही रहती है,
पर इन्हें इसकी क्या चिंता, चलो जब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झोवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहां से 2 फरलांग से कम न था। अगर झोवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, फिर झोवे को उठाता कौन? अकेले भरा हुआ झोवा उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ, पंडित जी की नींद भी खुली। मुँह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोवा सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर सायत भी वैसी ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई, जो बातें पहले से सोच रखी थीं, वह सब भूल गईं। पेट पीठ में धंसा जाता था, आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला, उठना ही पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित हैं, कहीं सायत ठीक न विचारें तो फिर सत्यानाश ही हो जाए, जभी तो संसार में इतना मान है, सायत ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दें। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे, हां मार कसके और मार कसके मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कसके खड़ा सोचने क्या लगता है, हां बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान भूख कमजोरी सब मानो भाग गई, उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधा घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहां तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलिया हो जाए। दुखी न उठा। पंडित जी ने अब उसे दिक करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूं, सब सामान ठीक ठीक है न? दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबकाकर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था न? पंडित, हाँ लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल एक घर गोड़ का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर ही से था, पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गोंड ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी,
दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़ जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहाँ चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिने थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रोप छाया हुआ था, एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया। पर लाश उठाने कोई चमार न आया और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब की सब आ पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ बहुत मनहूस। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा की नहीं, साधा साध किसी का विचार है इन सबों को। पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारिने भी रोपीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंध हल्का था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगाजल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौए नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था।